Good morning, viewers. As you know, there are three parts of the human nervous system, as you can see on the chart. Brain, being the head of the body. Spinal cord, jahan se tamam tar distribution blood ki hoti hai to all organs of the body. Aur ye sabko input deta hai blood ki, jis jis jagah bhi blood jana hai, chahe from head ho, ya hamari toe ho. Tamam organs body ke jitne hai, wo function karte hai with distribution from the spinal cord. Aur teesra hissa nervous system ka, spinal nerves hain, which originate from the spinal cord, which are attached with the spinal cord. And brain in nervous system controls everything with brain's order are passed to through the blood to all the organs of the body. Aap paon bhi harkat karein, body bhi harkat karein, angutha bhi harkat karein, jis jis ki harkat karein, the orders have to come from the brain, and that is passed through a chemical known as acetylcholine, which is contained in the blood. Hum jo kuch bhi karte hain, jaisa ki maine guzarish ki, brain control karta hai, aur iski distribution blood ki tamam tar vertebra se hoti. Hamari spinal cord yahan se shuru hoti hai, aur yahan pe lower part, ye jahan se lumbar khatam hota hai, iske baad panch more sacral ke hain. Spinal cord ke there are 24 vertebra only, aur between every two vertebra there is a disc to give us flexibility, to turn left, to turn right, to look up and look down, everywhere. Spinal cord starts up my upper finger, and here where there is thumb, it ends. That is cervical vertebra, total 7 in numbers. Yahan se pehla vertebra aata hai, ye, aur iske dusra ye vertebra, in dono ke darmiyan jo disc hai, अगर उसमें सबलक्सेशन आ जाए, डिस्क बल्ज आ जाए, डिस्क स्लाइट मूव कर जाए, तो आपके सर, चेहरे, आँखों को ब्लड प्रॉपर फ्राहम नहीं होगा, जिससे तमाम सर में, लेट्स से मीग्रेन में क्या होता है, सर में दर्द आ गई, चेहरे पे खिंचाव आ गया, आँखों को ब्लड पूरा नहीं गया, साइनस प्रॉब्लम अकर हो गया, जाज में तकलीफ होने लगी, ये सब प्रॉब्लम कहाँ से रिजिनेट होते हैं? C1 एंड C2 से. इसी तरह अगर C6, हेयर इज C6, जहाँ आप मेरी फिंगर देख रहे हैं, मैं आई कैन, हेयर इज C6, छठा मोरा सर्वाइकल का, यहाँ से अगर ब्लड कम हुआ तो फिर उसके असरात ये आएंगे, क्योंकि इसने ब्लड फ्राहम करना है गर्दन, कंधों और बाजुओं को. आपके बाजू छोटे होने लगते हैं, उनमें स्ट्रेंथ कम होने लगती है, और जब ये मसला ज़्यादा बढ़ता है तो नमनेस आने लगती है, शोल्डर्स हैवी हो जाते हैं, गर्दन में अल्टीमेटली आपको अगर नहीं सबलक्सेशन ठीक होती, ब्लड बहुत ज़्यादा सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, तो उस सूरत में आपने कॉलर लोगों को लगाए देखा होगा, दे वियर कॉलर, क्यों? जस्ट टू सपोर्ट देयर नेक. और अगर नेक सपोर्ट ना करे, नेक अपने आप को नहीं उठा सकती, बाजू फ्रोजन शोल्डर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उनमें ब्लड कम आता है, और बाजू ने दूसरी काम काज क्या करने हैं, वो तुम्हें तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं रह जाती अल्टीमेटली कि दे कैन लिफ्ट देम अप, वो अपने आप को नहीं उठा सकते. और अगर अपने आप को नहीं उठा सकते तो काम काज क्या करना है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर इज एज ए रिजल्ट ऑफ रिड्यूस ब्लड सप्लाई फ्रॉम C6, और जब C6 से रिड्यूस ब्लड सप्लाई जाएगी तो वो गर्दन, कंधों, बाजुओं को अफेक्ट करेगी. सिमिलरली ये T1 है, ये T1 जहाँ मेरी उंगली देख रहे हैं आप, यहाँ से अगर ब्लड सप्लाई, ये थोरेसिक के वर्टेब्राज अभी शुरू हो गए T1 से, और ये T12 यहाँ तक जाएगी, 12 वर्टेब्राज. ये अगर T1 से ब्लड सप्लाई कम हुई तो इससे आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ गई, T2 से सीने में खिंचाव आ गया, और अगर यही मसला आपके T7 में आ जाए, T7 से, तो ब्लड सप्लाई आपके पेंक्रियास को कम जाएगी, विच विल रिजल्ट इन डायबिटीज, शुगर हो जाएगी, अल्सर हो जाएगा, गैस का मर्ज हो जाएगा. और ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? बिकॉज देर इज ए रिड्यूस ब्लड सप्लाई फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज T7. मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ कि ये थोरैसिक के 12 मोहरे हैं,
और इनके दरमियान में डिस्कें हैं जिनकी वजह से ये सबलक्सेशन आ जाती है। नाउ वी कम डाउन टू लंबर वर्टेब्रास। लंबर के 5 वर्टेब्रास हैं जो इस जगह से हैं, ये जहाँ मेरी दोनों उंगलियाँ हैं, कैन यू सी, दोनों उंगलियाँ हैं मेरी, इनके दरमियान में 5 वर्टेब्रास हैं और इनके दरमियान में सबसे बड़ी डिस्कें होती हैं बॉडी की तमाम स्पाइनल कॉर्ड में से। अगर L3 से ब्लड कम आया तो उसमें घुटनों में कम ब्लड जाने लगेगा और सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी कम ब्लड जाएगा, जिससे हर एक जगह पे कमज़ोरी आ जाएगी। सिमिलरली अगर L4 से कम ब्लड आया तो कमर दर्द आ जाएगा, शटिका का मर्ज आ जाएगा, और इन जैसे शटिका के अमराज में फिर आपकी कमर भी मुतासर होगी, लोअर बैक, और नेचुरली लेग्स में जब रेडिएट करेगी पेन, तो दैट इज़ इन क्लियर इंडिकेशन कि टांगों में ब्लड कम जा रहा है एंड ग्रेजुअली द लेग्स विल गो वीक, वीक होती जाएंगी, क्योंकि जो कुछ आपने खाना पीना है वो तो खून में जाना है ना, और जब खून ही नहीं जा रहा टांगों में प्रॉपर, क्यों? इसलिए कि L4-5 से आपकी नर्व पिंच हो गई है। L5-S1 यहाँ से ओरिजिनेट होती है और पाँव के नीचे तक जाती है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, पाँव के नीचे तक जाती है, एड़ी के नीचे जाके ख़त्म होती है। दिस इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी, और जब ये पिंच हो जाती है बिकॉज ऑफ डिस्क बल्ज, हर्नीएशन और सबलक्सेशन एट L4-5, तो उसकी वजह से लोअर बैक और टांगों में ब्लड कम जाने लगेगा। इट मे बी इन द वन लेग और इट मे बी इन बोथ लेग्स। तो इससे रिड्यूस ब्लड सप्लाई से अल्टीमेटली कमज़ोरी आने लगती है। जब आप बैठते हैं तो कम ब्लड की ज़रूरत होती है, लेटने में उससे ज़्यादा कम ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन जब खड़े होते हैं तो इन दोनों हालतों से ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, चलते हैं तो उससे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, और वो तो नर्व तो कंप्रेस है ना, जब कंप्रेस है नर्व तो उस सूरत में उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई तो नहीं जा पाएगी, और अल्टीमेटली देर विल बी पेन इन द लोअर बैक एंड इन बोथ ऑफ द लेग्स, और इट कुड बी वन लेग, राइट शटिका और लेफ्ट शटिका, और दोनों अगर टांगों में आ गया तो देन इट इज बाइलेटरल शटिका, दोनों टांगों में ब्लड कम जा रहा है। अब हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि इन अमराज का, ये जो इंतहाई अपाहज कर देने वाले अमराज हैं, इनको कैसे दूर किया जाता है। बी विद अस व्यूअर्स, हियर इज ए पेशेंट विच हैज पेन इन द नेक, आर्म्स एंड द लेग्स। हम उनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जी, आपकी कहाँ कहाँ दर्द है? नेक पेन है मुझे, नेक पूरी। जरा गर्दन टर्न करके दिखाइए, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं होती? नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी तरफ कीजिए जी, इससे ज़्यादा नहीं टर्न होती? नहीं, इससे ज़्यादा। अच्छा, आगे पीछे करने से भी दर्द होती है जी? अच्छा, अब आप लेटिए ज़रा, किस टांग में दर्द है आपके? उठाइए ज़रा टांग जी, आगे दर्द जी, ये कांप रही है आपकी टांग, कांप रही है, ठीक है। हम व्यूअर्स अभी इनकी एडजस्टमेंट करेंगे, पहले गर्दन की, गर्दन की, ये ज़रा गर्दन ऐसे कीजिएगा, बिल्कुल लूज छोड़ दें, बिल्कुल लूज छोड़ दें गर्दन, बस बिल्कुल लूज छोड़ दें गर्दन। गहरा सांस लें, बाहर निकालें, गहरा सांस लें, बाहर निकालें, ओके। अब ज़रा मेरी तरफ करवट ले लीजिएगा, हाथ ऐसे रखें, चलें, आपकी लेग की एडजस्टमेंट करेंगे। ज़रा ज़रा गहरा सांस लीजिए, बाहर निकालिए जी, सीधे हो जाइए, लेग को मूव करके दिखाइए मुझे जी, ओके। अब पेन तो नहीं आ रही? नहीं। उठ जाए, ढीला छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दीजिएगा, अब ऐसे रखिएगा। चल, कहाँ कहाँ पे आपके खिंचाव है, कहाँ प्रॉब्लम है? नेक में पेन है सर। हाँ, और जिसकी वजह से आईज में भी खिंचाव रहता है और सर में भी दर्द रहता है। ओके, और किसी जगह पे? जी, बैक पेन है। हाँ हाँ, जिसकी वजह से नीज में भी प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है, बाजू ऐसे रख लें,
बाजू ऐसे रख लें, ज़रा सा इसको ऐसे ज़रा बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। गहरा सांस लें, निकालिए बाहर, गहरा सांस लें, निकालिए बाहर। अब ज़रा मैं इस तरफ को टर्न कर लीजिएगा, ये ज़रा ऐसे रखिए, ऐसे रखिएगा, ये बाजू छोड़िए ज़रा, ये इसको भी ऐसे रखिए, ऐसे रख लीजिए, सर नीचे रखिए, ये जिस्म ढीला, बिल्कुल बाजू ऐसे लें, गहरा सांस लें, गहरे सांस लें, गहरा सांस लें, निकालें बाहर, गहरा सांस लें, बाहर निकालें। पहले हम आपकी गर्दन का करेंगे ट्रीटमेंट, कंधों का, बाजुओं का करेंगे, और उसके बाद आपको गर्दन, ये ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल गर्दन ढीली छोड़ दीजिए, गहरा सांस लीजिए, बिल्कुल गहरा सांस लीजिए, बस। हाँ, फुल करवट लें, थोड़ा सा 90 डिग्री पे रखें। अच्छा, अब ज़रा इस टांग को दोहरा कर लें, इस टांग को दोहरा कर लें जी, नहीं ऐसे ऐसे, ज़रा इस टांग को दोहरा कर लें, ज़रा इसको सीधा हो जाए, ज़रा ऐसे, इस बाजू को इधर रखें, सर नीचे रखें, इस बाजू को इधर रखें, इस बाजू को उधर रखें। अब ज़रा बिल्कुल जिस्म को ढीला छोड़ें, गहरा सांस लें, बिल्कुल जिस्म को ढीला छोड़ें, गहरा सांस लें जी। अब सीधे हो जाइएगा, सीधे हो जाइए। नाज़रीन, प्रैक्टिकली आपने देखा, मैंने एडजस्टमेंट की स्पाइनल कॉर्ड की, सर्वाइकल की भी, लंबर की भी, घुटने की भी, शेटिका और कमर दर्द के लिए भी। कम टू अस, वी आर रेडी टू सर्व यू, वी आर रेडी टू ट्रीट योर पेन, और व्हेन वी ट्रीट योर पेन, इंशाल्लाह इट विल बी ओवर विद इन नो टाइम। फौरन आपको असर होगा, फौरन आपको जो दर्द आ रही है उसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए। अगर शुरू में इब्तदा में दर्द के आ जाएंगे तो काम इलाज की ज़रूरत होगी, अगर देर से आएंगे जब दर्द बहुत ज़्यादा फैल चुकी होगी, उसके असरात आगे मुंतकिल हो चुके होंगे, तो उस सूरत में आपको ज़्यादा इलाज की ज़रूरत होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।